तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से अकाउंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो सीरीज में 16 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सारे वीडियोज को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारे क्वेश्चंस को देखें और उनका आंसर खुद से करने की आप कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कर रहे हैं कि अंडर डैश सिस्टम इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश। ऑप्शंस हैं आपके पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनकम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अकाउंटिंग के किस सिस्टम में जब तक कि कैश आपके पास रिसीव नहीं हो जाता है तब तक आप उसे इनकम नहीं मानते हैं। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब तक आपके बिजनेस में कैश रिसीव नहीं हो जाता है तब तक आप उसे इनकम नहीं मानते हैं, जब तक आपके बिजनेस से कैश निकल नहीं जाता है तब तक आप उसे एक्सपेंस नहीं मानते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, इन विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड। ऑप्शंस है आपके पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब तक आप कैश पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक उसे आप एक्सपेंस नहीं मानते हैं। इसलिए दोस्तों, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर इनकम को रिकॉर्ड हम नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, डैश इज अ फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग विच शो दैट एसेट ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। ऑप्शन है आपके पास बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो शो करता है कि आपके बिजनेस में जितने भी एसेट हैं वो आपके बिजनेस के कैपिटल और लाइबिलिटी के बराबर होते हैं। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकाउंटिंग इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि आपके बिजनेस में जितने भी एसेट हैं वो कैपिटल और लाइबिलिटी के टोटल के बराबर होंगे, यानी कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, विच बेसिस अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज बाय द कंपनी एक्ट। ऑप्शन है आपके पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कंपनी एक्ट आपको कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज करने के लिए रिकॉग्नाइज करता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जी हां दोस्तों, कंपनी एक्ट कहता है कि आपको एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, द पोजीशन ऑफ अ बिजनेसमैन ऑन 31 मार्च 2020 इज एज फॉलो। कैश 5000, डेटा 20000, मशीनरी 60000, स्टॉक 25000, कैपिटल 75000। कैलकुलेट हिज लायबिलिटी, है ना? आपको क्या करना है दोस्तों, इस बिजनेसमैन के लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है। ऑप्शन से आपके पास 25000, 35000, 45000 या फिर 55000। तो फटाफट से इसे कैलकुलेट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 35000। अब ये 35000 कैसे आया, आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है? और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट द लायबिलिटी, आपको निकालना है लायबिलिटी। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। क्लियर है? अब दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है कि एसेट किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं और लायबिलिटी किसे कहते हैं। तो जितने भी एसेट दिए हुए हैं उसे हम एसेट के सामने लिखेंगे, जितने भी कैपिटल दिए हुए हैं उसे कैपिटल के सामने में लिख देंगे, ठीक है? तो कैश, डेटर, मशीनरी और स्टॉक, ये सब क्या है दोस्तों, बिजनेस के लिए एसेट है। तो इसे हमने एक जगह ऐड कर लिया है और कैपिटल का अमाउंट हमने यहां पे लेस कर दिया है, ठीक है? इसे कैलकुलेट करने पे दोस्तों आपका आ जाएगा लायबिलिटीज इक्वल टू 35000। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, द बुक्स इन विच अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास लेजर, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्रिंसिपल बुक या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा बुक है जिसमें आप सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जी हाँ दोस्तों, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आप सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम जर्नल भी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, डैश इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑप्शन है आपके पास लेजर, जर्नल, कैश मेमो या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आप ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्नल। जी हाँ दोस्तों, जर्नल में आप ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं और इसे ही हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स एसेट इज नॉट डेप्रिसिएटेड। ऑप्शन है आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग या फिर लैंड। दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फिक्स एसेट है जिस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैंड। जी हाँ दोस्तों, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है क्योंकि लैंड का वैल्यू किसी भी हालत में जीरो नहीं हो सकता है।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन अ डेस्कटॉप इज सोल्ड दैट हैज बीन यूज्ड इन द ऑफिस। ऑप्शन है आपके पास कैश अकाउंट, डेस्कटॉप अकाउंट, परचेज अकाउंट या फिर सेल्स अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ऑफिस में यूज होने वाला डेस्कटॉप आपने सेल कर दिया तो कौन से अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेस्कटॉप अकाउंट। आइए इसे जर्नल एंट्री से समझते हैं। दोस्तों जब आप डेस्कटॉप सेल करेंगे तो आपका क्या एंट्री होगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेस्कटॉप अकाउंट, क्योंकि डेस्कटॉप आपके बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है ना, और एसेट जब भी घटता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों, डेस्कटॉप अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हमारे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। साथ ही दोस्तों अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप टैली सीखना चाहते हैं या इसी तरह के एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशन पे चले जाइए, वहां पे आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां से आप सारे वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द अकाउंट दैट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बींग बट दे वर्क एज अ पर्सनल अकाउंट इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ऐसा अकाउंट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ह्यूमन बींग की तरह है ना, मनुष्य की तरह जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन पर्सनल अकाउंट की तरह वो काम करता है तो उसे आप क्या कहेंगे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैलेंस ऑफ पीटी कैश बुक इज। ऑप्शन है आपके पास लायबिलिटी, इनकम, एसेट या फिर एक्सपेंस। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पीटी कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो आपके बिजनेस के लिए क्या है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसेट। जी हाँ दोस्तों, कैश जो है आपके बिजनेस के लिए क्या है दोस्तों, एसेट है। तो पीटी कैश बुक में भी तो कैश ही है ना, तो उसका भी जो बैलेंस होगा वो आपके बिजनेस के लिए एसेट होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन ही सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑप्शन है आपके पास क्रेडिट नोट, कैश मेमो, इनवॉइस या फिर सेल नोट। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब कोई सेलर किसी भी तरह का गुड्स ऑन क्रेडिट यानी कि उधार में बेचता है तो कौन सा डॉक्यूमेंट वो तैयार करता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनवॉइस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रियल अकाउंट जनरली शो डैश बैलेंस। ऑप्शन है आपके पास डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि रियल अकाउंट से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं वो किस तरह का बैलेंस जनरली शो करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, डेबिट बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, रियल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, है ना, और एसेट जब भी बढ़ता है तो उसे आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, है ना। इसलिए रियल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे उसका बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेवी अमाउंट स्पेंड फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज। ऑप्शन है आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपने उस पर हेवी एडवर्टीजमेंट किया है ना, प्रचार करने में बहुत ज्यादा अमाउंट आपने खर्च किया, तो ये जो एक्सपेंस है ये किस तरह का एक्सपेंस होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा खर्च है जिसका बेनिफिट आपको आने वाले सालों में भी मिलता रहेगा, तो इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे उसे आप आने वाले सालों में एडजस्ट करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमाउंट पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर विल बी डेबिटेड टू। ऑप्शन है आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, कैश या फिर बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि के बिजनेस के प्रोप्राइटर का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पेमेंट कर दिया तो कौन से अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्रॉइंग्स अकाउंट। आइए जर्नल एंट्री से समझते हैं। दोस्तों इसका जर्नल एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। दोस्तों आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने बिजनेस के प्रोप्राइटर का यानी कि मालिक का इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों कि एक तरह से ड्रॉइंग्स हो रहा है ना, तो किसी भी तरह का एक्सपेंस अगर आप प्रोप्राइटर के लिए करते हैं तो वो आपके बिजनेस के लिए ड्रॉइंग्स होगा। क्लियर है। तो यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, हम ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूल ऑफ डैश अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ऑप्शन है आपके पास पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन कौन से अकाउंट का रूल है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ एंट्रिंग ऑल ट्रांजेक्शन फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास एंट्री, अकाउंटिंग, जर्नलाइजिंग या फिर पोस्टिंग। जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जर्नल से ट्रांजेक्शन को लेजर में एंट्री करने के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, जब आप जर्नल से ट्रांजेक्शन को उठा करके लेजर में पोस्ट करते हैं तो उसे हम लेजर पोस्टिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ऑप्शन है
आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या फिर नंबर। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है कि आपका बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैलेंस शीट। जी हाँ दोस्तों, बैलेंस शीट में एक पर्टिकुलर डेट में मेंशन होता है कि आपके बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं, कितने कैपिटल है, है ना। इससे आपके फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास जर्नल बुक, लेजर बुक, कैश बुक या फिर सब्सिडी बुक। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा बुक है जिसमें आप बिजनेस में होने वाले सारे कैश रिसीप्ट और सारे कैश पेमेंट को दिखाते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैश बुक। जी दोस्तों, कैश बुक में आप सारे कैश ट्रांजेक्शन को दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए ट्रायल बैलेंस कंटेन द बैलेंसेज ऑफ। ऑप्शन है आपके पास ओनली पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर ऑल पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ट्रायल बैलेंस में आप किससे रिलेटेड अकाउंट्स के बैलेंस दिखाते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी अकाउंट्स के बैलेंस बचे होते हैं, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो या फिर नॉमिनल अकाउंट हो, उन सारे बैलेंसेस को आप अपने ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन है आपके पास लेजर, कैश बुक, जर्नल या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, साथ में हमें यह भी बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही सही आंसर किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।